नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। मैं विवेक, आज प्रदेश के लिए एक क्षति भरी खबर आई कि पूर्व राष्ट्रपति दादा कहे जाने वाले प्रणब मुखर्जी का आज अस्पताल में निधन हो गया। प्रणब मुखर्जी 84 साल के उम्र में अपने शरीर को त्यागा और वो केंद्रीय मंत्री रहे, जाने माने राजनीतिज्ञ रहे। लालकृष्ण आडवाणी से 6 महीना सीनियर प्रणब मुखर्जी थे। कांग्रेस के गद्दावर नेता कहे जाने वाले प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने और बखूबी अपने राष्ट्रपति पद की गरिमा को बढ़ाया। और वो लंबे समय से बीमार थे, ऑपरेशन कराए हुए थे। जब जांच करा गया तो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कुछ दिनों से वो आर्मी अस्पताल में दिल्ली में कोमा में थे और लोग दुआएं कर रहे थे उनके जिंदा होने की। लेकिन अंततः उनके पुत्र ने ट्वीट करके बताया कि डॉक्टरों ने बहुत प्रयास किया, आम जनता ने बहुत दुआ करा कि उनकी हालत सुधर जाए, लेकिन प्रणब मुखर्जी जी का निधन आज हो गया। प्रणब मुखर्जी ऐसे शख्सियत थे कि उनकी सब पार्टी में पूछ थी, इज्जत होती थी और जानकार और विद्वान व्यक्ति थे। और कांग्रेस के स्तंभ माने जाने वाले प्रणब मुखर्जी जो बाद में राष्ट्रपति बने और वर्तमान में वो राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के बाद आराम तलब में थे और उनकी निधन हो गई। यह शोक की खबर है जो मैंने आप तक पहुंचाना उचित समझा। वीडियो अच्छा लगे आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।